प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान हितैषी योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के नवनियुक्त मनोनीत अध्यक्ष राजन साहू ने पत्रकार वार्ता ली। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के नव मनोनीत अध्यक्ष राजन साहू ने आज अपनी प्रथम पत्रकार वार्ता ली। यहां उन्होंने प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान हितैषी योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राजन साहू ने कहा कि योजनाओं का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिससे किसान और उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इस संबंध में मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले मैं हमारे किसान भाइयों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग से, सब किसान भाइयों के सहयोग से हमारी धान खरीदी पूर्णता की ओर है और पिछले वर्ष 15,67,000 टन से पार होकर हम अभी तक 16,48,000 टन मेट्रिक टन हमने धान क्रय कर लिया है। किसान भाइयों ने धान बेचा है और धान का उठाव भी लगभग 12 लाख से ऊपर टन से मेट्रिक टन से ऊपर हो चुका है। हमने किसान भाइयों से निवेदन किया है और कर रहे हैं कि वो 31 जनवरी तक अपना टोकन ले लें और धान विक्रय करें, बचे हुए किसान भाई से कि वो आए और धान विक्रय करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।